Assalamu Alaikum welcome in Kicks Education Forum so today's topic is chloramphenicol chloramphenicol is the drug of amphiphenicol class so let's get started but before watching this video make sure to subscribe Kicks to Education Forum

स्वीअर टॉक्सिसिटी कॉज करवाती है स्वीयर टॉक्सिसिटी वो भी सिर्फ बोन की बोन मेरा टॉक्सिसिटी इज़ द मेन एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लोरम फेनिकोल और इसका यूज़ भी रिस्ट्रिक्ट है लेकिन इसका यूज़ वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस हो जहाँ और उन इन्फेक्शन को कोई आल्टरनेटिव एग्जिस्ट ना हो तो वहाँ पर हम क्लोरम फेनिकोल को यूज़ करेंगे सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्लोरम फेनिकोल बाइंड रिवर्सिबली टू द फिफ्टी एस सब यूनिट मीन्स के ये जो लार्जेस्ट सब यूनिट होता है राइबोजोम राइबोसोम का वहाँ पे ये बाइंड हो गया अन इनहिबिट पिप्टीडाइल ट्रांसफरेज रिएक्शन पिप्टीडाइल ट्रांसफरेज रिएक्शन वो होता है जो कि पिप्टाइड बॉन्ड बना के एक पूरी प्रोटीन का एक स्टैंड फॉर्म करता है ठीक है सो लेट्स सपोज हमारे पास ये थर्टी एस सब यूनिट है एंड वी हैव दिस फिफ्टी एस सब यूनिट एंड देयर वी हैव ए साइट पी साइट एंड ई साइट सो और यहाँ पे हमारे पास है मैसेंजर आर एन ए जिसके जिसके पास डिफरेंट कोड्स हैं ठीक है जिनको राइबोसोम रीड करता है सो so, यहाँ पे हमारे पास एज आ जाता है टी आर एन ए जो कि ऑलवेज कम विद अमाइनो एसिड तो ट्रांसफर आर एन ए और अमाइनो एसिड आके ए साइड पे बाइंड होता है ठीक है ऑलरेडी देयर वी हैव ऑन पी साइड अ अब ये पिपटाइड जो ये है ये स्टैंड है ये ट्रांसफर होगा पी साइड से ए साइड पे और जब ये ए साइड से ट्रांसफर होगा तो ये ए साइड पे आके इस अमाइनो एसिड को जो नया वाला बाइंड हुआ होगा उसको अपने साथ वापस पी साइड पे ले जाएगा और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लग जाएगा क्योंकि वो ए साइड से एक और अमाइनो एसिड को ले के आया ठीक है सो so अब हमने क्लोरम फेनिकोल के मैकेनिज़म में ये करना है कि हमने किसी तरह प्रोटीन की सिंथिसिस को इनहिबिट करना है और हमने पिप्टाइड बॉन्ड की पिपटाइड बोन्ड की फॉर्मेशन होने नहीं देना तो हमने इस स्टेप को इनहिबिट करना है कि पी साइड से ए साइड पे ये जो चेन है ये ट्रांसफ़र ही ना हो और ना ही अपने साथ कोई अमान वाला अमाइनो एसिड लेके वापस पी साइड पे जाए ठीक है तो जब यहाँ पे ये अमाइनो एसिड न्यू वाला बाइंड लगा रहेगा मीन्स कि यहाँ पर रहेगा तो इट मीनस कि ये साइट जो होगी वो बाइंडिंग साइट फ्री नहीं होगी तो अगर वो फ्री नहीं होगी तो नेक्स्ट अमाइनो एसिड भी यहाँ पर नहीं आके अटैच होगा तो हमने इस स्टेप को इनहिबिट करना है कि पी टू ए कोई भी ये चेन ट्रांसफ़र ना हो ताकि अमाइनो एसिड ये वाला यहाँ पे ही रहे और वो आगे आ, बाइनिंग साइड को खाली ना करे ताकि नया अमाइनो एसिड ना आए तो इससे हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी और ना ही हमारे पास यहाँ पर कोई नया पिपटाइड बॉन्ड बनेगा ठीक है अमाइनो एक्सट के साथ आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मेकनिजम ऑफ क्लोरम फेनिकोल सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्पेक्ट्रम सो बेसिकली जो क्लोरम फेनिकोल ड्रग्स हैं वो इफेक्टिव हैं अगेंस्ट क्लामेडिया के रिकेटिशियस स्पीशीज के स्पायरोट से एन एन आरोब से इफेक्टिव हैं ठीक है एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द दिस क्लास इज बैक्टीरियोस्टेटिक एंड बैटीरियो सिडल मीन्स के ये दोनों इफेक्ट शो करें बट डिपेंड करता है ऑन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम ले uh, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम ट्रीट कर रहे हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ दट माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिस क्लोरम फेनिकोल्ड ड्रग शो द बैक्टीरियो स्टैटिक इफेक्ट एंड समाइम अकॉर्डिंग टू दर माइक्रो ऑर्गेनिजम ऑल्सो शो द बैक्टीरियो सिडल इफेक्ट मीन्स के ये डिपेंड करता है ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ये कौन सा इफेक्ट शो करेगी ठीक है सो लेट्स मूव ऑन टू द रेजिस्टेंस सो नाव वी विल स्टडी अबाउट द रेजिस्टेंस कि ये ड्रग कैसे रेजिस्टेंस शो करेगी तो इसका फर्स्ट वाला जो मेकनिज्म होगा वो ये कि ये एक, एक एंजाइम होगा जो कि क्लोरम फेलिकोल के इनएक्टिवेशन कर देगा वो एंजाइम का नाम है एसीटाइल ट्रांसफ्रेस दिस इंजाइम विल इनएक्टिवेट द क्लोरम फेनिकोल ठीक है अब ये जो ये कैसे इनएक्टिवेट करेगा जो एसिटाइल ट्रांसफर ग्रुप है वो अपना एसिटाइल ग्रुप को क्लोम फेनिकोल के ऊपर ट्रांसफ़र कर देगा ठीक है मतलब ये एसिटाइल क्लोरम फेनिकोल के साथ अटैच हो जाएगा जिसकी वजह से ये ड्रग इनएक्टिवेट हो जाएगी एंड नेक्स्ट इज डिक्रीज एबिलिटी टू पेनिट्रेट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इट्स मीन इज दैट कि ये जो माइक्रो uh, ऑर्गेनिज्म है वो uh, क्लोरम फेनिकोल जो ड्रग है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक जा ही नहीं पाएगी मतलब कि वो उसकी अबिलिटी जो होगी पेनीट्रेट होने में वो डिक्रीज हो जाएगी अब ये और जब पेनीट्रेट ही नहीं माइक्रो ऑर्गेनिजम में होगी तो वो उसकी एक्सेस फिफ्टी एस राइबोजोम के पास जाएगी नहीं जिसकी वजह से जब वो उसकी एक्सेस ही नहीं राइबोजोमल यूनिट के पास जाएगी तो मीन्स के वो अपना एक्शन शो नहीं करेगी मीन्स के रेजिस्टेंस हो जाएगी ठीक है सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्मैकोकाइनेटिक्स सो बेसिकली जो फर्मैको में आ, क्लोरम है वो हम आईवी भी ले सकते हैं ठीक है औरली भी ले सकते हैं और ये मार्केट में डिफरेंट फॉर्म में अवेलेबल है एज फॉर एग्जांपल कैप्सूल ऑपथाल्मिक सॉल्यूशन आईवी आईवी सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन की फॉर्म में भी प्रेजेंट है ठीक है हिपैटिक मेटाबॉलिज्म दिस ड्रग विल शो द दिपेटिक मेटाबॉलिज्म ठीक है हिपेटिक मेटाबॉलिज्म जब शो करेगी तो इस वजह से ये जो ड्रग है इसका जो मेटाबोलाइट है वो ग्लूकोरोनाइड है जो कि ग्लूकोनाइड एट द एंड रीनल ट्यूब्यूल से सिक्रेट हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट इज़ डोज रिडक्शन इन रीनल डिस्फंक्शन मीन्स के अगर हाँ कोई पेशेंट है ऑलरेडी रीनल डिस्फंक्शन है तो उसमें हम डोज़ की रिडक्शन ज़रूर करेंगे क्योंकि ये इसका मेटाबोलिज्म हिपैटिक है तो हम अगर उसका ऑलरेडी डिस्फंक्शन होगा रीनल तो हम उस पेशेंट की डोज की रिडक्शन कर देंगे ठीक है एट द एंड एक्सक्रीट इन ब्रेस्ट मिल्क देयर फॉर हमें इसको अवॉइड करना चाहिए इन प्रेगनेंट इन प्रेगनेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स सो लेट्स मूव ऑन टू द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लोरम फेनिकोल तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल इज गेस्ट्रो इंटस्टाइनल डिस्टर्बेंस गेस्ट्रो इंटस्टाइनल डिस्टर्बेंस में ये आता है कि मोस्टली जो ड्रग हम औरली लेते हैं वो गेस्ट्रो इंटस्टाइनल ट्रैक्ट को समटाइम सूट नहीं कर पाती जिसकी वजह से गेस्ट्रो इंटस्टाइनल इरीटेशन और डिस्टर्बेंस हो सकती है ठीक है नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अनिमिया रेड सेल्स की रेड ब्लड सेल्स की कमी हो, होने की वजह से बोन मैरो में जो प्रॉब्लम है बोन मेरो में प्रॉब्लम होने की वजह से रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है जिसे ए प्लास्टिक कहा जाता है यह भी एक एडवर्स इफेक्ट है क्लोरम का नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ग्रे बेबी सिंड्रोम ग्रे बेबी सिंड्रोम जो है मोस्टली ये होता है न्योनेट्स में और इन्फेंट्स में और ये जो क्लोरम फेनिकोल ड्रग है वो एक्सक्रीट होती है थ्रू यूरिन और जब ये मेटाबोलाइज होती है लीवर में तो मेटाबोलाइज uh, uh, होने में एक एंजाइम होता है जो कि हिपेटिक uh, uh, ग्लूक्रोनाइट ट्रांसफेरेज हिपेटिक ग्लूक्रोनाइट ट्रांसफेरेज इंजाइम है लीवर में जो इनएक्टिवेट करता है क्लोरम को ठीक है लेकिन जो बेबीज़ होते हैं उनमें ये एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है क्योंकि ये एंजाइम लाइफ के साथ साथ आ, मतलब ये ए, सिक्रीट होता है लेकिन ये एंजाइम की डेफिशिएंसी होने की वजह से बेबीज़ में क्लोरम फेनिकोल जो होती है वो इनएक्टिवेट नहीं हो सकती क्योंकि इनएक्टिवेट हो नहीं पाती क्योंकि वो हिपेटिक ग्लूक्रोनाइट ट्रांसफेरिज इंज़ाइम ही नहीं बना होता ठीक है तो इस वजह से ये क्लोरम फेनिकोल इनएक्टिवेट इनएक्टिवेट नहीं हो पाती जिसकी वजह से रेड सेल्स की मैचोरे नहीं हो पाती जब रेड सेल की मैचूरेशन नहीं होगी तो रेड ब्लड सेल्स में कमी आ जाती है रेड ब्लड सेल्स में जब कमी आएगी तो इट मीनस कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो ब्लड सेल्स की होगी रेड ब्लड सेल्स की वो भी कम हो जाती है तो ये सब कम होने की वजह से सियानोसिस हो जाता है जो बेबी होता है उसकी जो स्किन कलर होता है वो ग्रे नज़र आना शुरू हो जाता है तो इस वजह से ये एक एडवर्स इफेक्ट है क्लोरम का और समटाइम्स इसकी वजह से कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम जो होता है वो कोलेप्स भी हो जाता है ठीक है सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द ग्रे बेबी सिंड्रोम कि कैसे होता है बोन मेर जो टॉक्सिसिटी होती है वो मोस्टली अक्कर होती है ड्यू टू द कंसिक्वेंस ऑफ इमाइटोकोन्ड्रियल इंजरी और इसमें ये होता है कि एरेथ्रोपोइसिस जो होता है वो उसमें डिप्रेशन हो जाता है मतलब रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन नहीं होती एरेथरोपोसिस हो जाता है और uh, जिसकी वजह से रेटिकुलोसाइट जो काउंट होता है वो भी कम हो जाता है जब ये सब कम होते हैं तो इस वजह से इसे एज अ फर्स्ट वार्निंग साइन लिया जाता है मतलब कि एज अ रिस्क साइन लिया जाता है ऑफ क्लोरम फेनिको